अपना जूता भी रखता जा। बहुत अच्छा हुआ। बाबा, हमारे भी जूते इसी में रख लीजिए। हाँ हाँ रख दे। बस इतने काफी हैं उस किताब पोशी के लिए। अम्मी अम्मी, आज भाईजान की ताजपोशी हमारे जूते से हो गई। चुप कंबक। जी नहीं, वहाँ आपकी ताजपोशी का इंतजाम हो रहा है। ताजपोशी? मगर आज कैसे ताजपोशी भाई? जी वो मेले वाली पुलिस चौकी से खबर आई है कि आप वहाँ जाकर बुरका पोश औरतों को घूरते हैं और हर एक की शक्ल घूम घूम कर देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या यहाँ दारोगा जी बड़े गजबनाक हैं, सारे मोहल्ले के जूते इकट्ठा कर रखे हैं। दीजिए, बिस्मिल्लाह हो गई। खबरदार भागने न पाए। रमजानी, पकड़ ला बदमाश को मेरे पास। जाइए मियाँ, खुदा के लिए जाइए। जल तो जलाल तो साहिब कमाल तो आए भला, ये भला नहीं टलेगी। दिखाई देते हैं। अब बहुत मुझे तो यहाँ से लेकर वहां तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, इतने जूते लगेंगे ताकत ठिकाने लग जाए। मगर मैं भी ठिकाने लग जाऊंगा। वो और भी अच्छा होगा, ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर। बोल किधर से शुरू करूं, इधर से या इधर से? अब बहू, अगर ताजपोशी जरूरी है तो फिर नहीं, तो फिर इधर ही से शुरू फरमाइएगा। इधर से? अब बहू, मेरे सर का नहीं तो कम से कम जूतों का जरूर ख्याल फरमाइएगा। वही ख्याल फरमा रहा हूँ। हाथ है, मैं समझा जूता आया। हाय हाय, जूते मार मार के गंजा कर दिया है मेरे बेटे को। इधर से देखिए अम्मी, इधर से। बेटा, अम्मी जान, ये ताजपोशी किसी और मुबारक दिन के लिए मुलतवी करवा दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसी गलती करूँ तो। आय हाँ, मैं कहती हूँ जाने भी दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। आ गई ना बीच में, तुम्हें ऐसे बना रखा। अब बहुजू, मैं कसम खाकर वादा करता हूँ, आइंदा कभी दरगाह शरीफ के अहाते में भी कदम नहीं रखूंगा। बस कमबख्त तो कोड़ी हो जाओगे कोड़ी। बाग जगह पर तमाशा कार बना के रखा है।